मंच पर विराजमान मान्यवर फर्स्ट सिटीजन ऑफ अमरावती माननीय महापौर श्री चेतन गावंडे जी, मान्यवर श्री किरण बाबूकर जी हु इज द रियल इंस्पिरेशन फॉर द इंस्पिरेशन डे जैन चैनल, और लोक कला के माध्यम से ही हमारे जीवन में प्रकाश करने वाले हमारे अपने परिवार, और मेरे ख्याल से केवल महाराष्ट्र नहीं आज पूरे भारतवर्ष के परिवार का हिस्सा बन चुके माननीय डॉक्टर गणेश चंद्रशेखर जी। मैं अपने बाल मित्रों से निवेदन करूंगा कि वो शांति बनाए रखें, फिर हम लोग कांति करेंगे जी। आप भविष्य हैं सर्वदय धन्यवाद। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब तक आप घड़ियां देख रहे थे, तो जितना इंतजार आपने हमको करवाया है उतना हम आपको नहीं करवाए। मैं सर्वदय शुक्रगुजार हूँ आज इस समय में आप लोग आए। हमारे और चूंकि समय की पाबंदियां हैं और चीजें अपने रफ्तार चल रही हैं, मैं आज भी यहाँ सभी मान्यवरों का डॉक्टर मोना चिकोटे मैम, पंडित भागीनंदा नदी एडवोकेट प्रवेश साहब यहाँ पर हैं, हमारे देखूवाला जी हैं, गुप्ता जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, श्री संजीव कांगड़े आकाशवाणी से हैं, सभी परिवार के जी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और ये वादा करता हूँ कि अब तक आप घड़िया देख रहे थे और आपको घड़ी देखने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपको अपनी ओर नजर हटाने के लिए। लेकिन उसके पहले हमारे परिवार के अपने बड़े बुजुर्ग मोहतरम श्री राज इंदौरी साहब का ये पैगाम हमारे लिए आए हैं। समर इंदौरी जी और सिर्फ इंदौरी जी, उनके जो बेटे और बेटी हैं वो इस कार्यक्रम के लिए कल इंदौर से निकले थे, और खंडवा के पास उनकी गाड़ी बिगाड़ आया और एक पत्थर जो है उसमें आके उनके साथ वो गाड़ी बिगड़ी, और उन्होंने जो पैगाम लिख के भेजा था राज साहब की, एक बार बता दें कि उनका जो अंदाज बयान है शायद आप सभी राज साहब से काफी वाकुफ होंगे कि शायरी और गजल को, और गजल जिसे कहते हैं कि आ से वहां का सफर, मैंने गजल कहा है कि अपनी आ को वहां में बदल देना, ये हुनर राज साहब बखूबी जानते थे। और आप देखेंगे जिसे आर्टिकुलेट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन करने की कला है, जिस तरह से फेक है शायर बहुत है, शेर बहुत जोरदार होता है, लेकिन शेर को शेर के तरह ही पढ़ा जाना चाहिए जो प्रस्तुतिकरण है। राहत साहब के पहले हम ये पैगाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, समय अपने आप में कविता में चला जा रहा है। डॉक्टर पशुरे फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए हम सभी इंदौरी परिवार सहृदय धन्यवाद देते हैं, और राहत साहब के मिलने वाली जो प्रेरणा है उनको आगे बताते हुए राहत साहब से, राहत साहब के कार्यों के लिए दी गई ये प्रेरणा पुरस्कार है उसका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हम आने वाले दिनों में राहत साहब की शायरी को लेकर राहत साहब की शायरी को लेकर एक मुशायरे आलम का सवाल करना चाहते हैं, और राहत साहब के नाम से जो ट्रस्ट शुरू किया जा रहा है उसकी सेवा के लिए पश्तोरे फाउंडेशन द्वारा स्वीकृति करते हैं। आप सभी को प्रेरणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। राहत साहब के साथ मैं एक बात बता दूं कि जब राहत साहब अपने साथ हुआ करते थे तो कहते थे शेर बोलते वक्त कि जो जज्बा होना चाहिए शेर बोलते वक्त, वो लगना चाहिए कि कुछ शेर बोल रहा है, ना कि भेड़ या भेड़िया बोल रहा है या बकरियां बोल रहा है। तो आप देखेंगे कि कई बार लोगों को ये लगता था कि राहत साहब बिन पिए बोल ही नहीं रहे, मतलब कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है स्टेज पे कि गौर करेंगे कि राहत साहब जब स्टेज पे हैं तो क्या होश में रहते हैं,
तो राज साहब की बात ये बताए कि वो लोगों को बेहोश कर देते थे और कई बार उनकी बातों में इतना नशा होता था कि लोगों को लगता था कि नहीं नहीं राज साहब जो है एक नशे में या दो जान लेके बोल रहे हैं। लेकिन उनके तलफ़ुज़ जिसे हम प्रोनंसिएशन कहते हैं, डिक्शन कहते हैं, उनका अंदाज़े बयान एक्सप्रेस एंड इंटोनेशन वो इस दौर का था, वो इस तरीके का था, इस तरीके का था कि वो अपने आप को उस ऊंचाई पर ले जाके वो बात कहते थे। मुझे अभी भी याद है अलीगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो मुशायरा जहाँ पे साथ में थे और मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी और ये सब परिवार के जन जमा पे थे। तो राज साहब की जब बारी आई तो सबने कहा कि पहले जो था कि सब लोग ये इसी तरह से आराम से लोग सो चुके थे, रात में दो दो ढाई ढाई बजते थे मुशायरे में, और सोने के बाद लोगों ने कहा कि राहत इंदौरी को पहले भी नहीं बुला देते, लोग सो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर राहत इंदौरी को पहले बुला देंगे तो लोग आएंगे नहीं, लेकिन राहत इंदौरी अगर आखिर बुलेगा तो लोग जाग जाके घर से आएंगे। और ये उनका इजाज था, ये उनकी बात थी, ये उनकी कशिश थी। और ये बात हमने देखी कि 3:30-4 बजे अलीगढ़ में जब उनका मौका आया बोलने का तो लोग अपने घरों से उठ कर जब अजान पड़ती उस तरह से राज साहब का नाम लिया गया और लोग उन्हें सुनने आते थे। तो काफी अजीम व शान और बड़ी शख्सियत। मैं 2016 में मेरे ख्याल से जब आप आई थी डॉक्टर लोकेश सिंह जी थे तो उनके साथ इस पर शायरी का था, उनकी उस वक्त तबियत नासाज हुई थी, कभी नहीं हो पाया। और चूंकि पोस्थमसली इन्हें मृत्यु पश्चात हमें पुरस्कार नहीं देते लेकिन उनका डिक्लेरेशन ऑलरेडी होता है, उन्हीं को दिया जाता है, तो पूरे सम्मान के साथ, पूरे सत्य के साथ उन्हें सत्कार करते हुए, उन्हें सलाम करते हुए, उनकी काबिलियत को, उनके काम को, उनकी बेटी को, मैं राज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे पल, अच्छा ज्ञान और गुण दिया। और उन्हें प्राइड ऑफ पैरेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्राइड ऑफ पैरेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो जहाँ भी हैं वो अपना आशीष हम पे बरसाते रहें और इसी तरह से हमें साहित्य और संस्कृति की सेवा का मौका देते हैं।